संस्कार माया और ममता अज्ञान के पड़ जाते हैं। जो जैसा नहीं है वैसा प्रतीत होने लगता है और वैसा संस्कार से प्रभावित हो जाता है। इसलिए संसार का जीव संसारियों का ही भरोसा करता है, ममता करता है, मोह से ग्रसित हो जाता है। ये अज्ञान की प्रबलता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, जब तक अंतःकरण का अज्ञान समाप्त न होगा तब तक जीव संसार से निवृत्त हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसके लिए बहुत यत्न करना होगा। जब तक संसार को अपना माने रहेगा, बनाए रहेगा, तब तक परमात्मा उसे कदापि मिलने वाला नहीं है। देखिए, जब लग द्रौपदी संसार का सहारा लिए रही कि संसार मेरा है, मैं संसार के, तब तक भगवान को आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अपने थे, गुरु भी अपना आज की मौजूद है, द्रोणाचार्य भी मौजूद है और भीष्म पिताजी महाराज भी मौजूद है। और ये अन्याय हो रहा था, क्या रोक नहीं सकते थे? लेकिन जब समय आया, पूछा गया कि महाराज दुर्योधन इसलिए बोल ना सके, तो यह महापुरुषों का संकेत पहले से भी हो आया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले संगत ऐसा। धोती बात है, ये सत्य बात है। जब नहीं आए, ये सब मेरे है, ये मैं संसार का हूं, तब तक भगवान नहीं आए। यहां तक कि जब किसी ने सहारा ना दिया तब अपने शरीर का भी सहारा लिया, क्योंकि शरीर का संबंध संसार का संबंध ये सहारा क्या पुकार है? दीनो दयालो पीरद संभारी, हरा हूं नाथ मामे संकट भारी, हे दीन बंधु, मैं आपकी हूं और आप मेरे हो। अभी लग मैं संसार की बनी रही तो मेरी रक्षा किसी ने किया नहीं, लेकिन अब मैं संसार की नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आपकी हूं। इसलिए हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब द्रौपदी की पुकार भगवान कृष्ण सुन रहे हैं, अभी हमारी नहीं है, कहती भर है। अगर हमारी होती तो मैं दौड़ाता, लेकिन अभी कुछ कसर है। तब द्रौपदी कहती है,
अब कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मैं बिसियों के जाल में फंस कर, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। अब कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। प्रभु आपने एक भक्त को नहीं तारा, अनेकों भक्तों को तारा, जो आपकी शरण में आ गए हैं, जो आपके बन गए हैं। तूने लाखों पापी तारे, लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दो से बिचारे। प्रभु आपका नाम दीन दयालु, क्या दीनों की, क्योंकि आप रक्षा करते हो, इसलिए कहते दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मेरे ऊपर संकट आ गया है प्रभु। इसलिए भगवान को क्या पुकार किया द्रौपदी ने, क्योंकि भगवान एक देशी नहीं है। वो समझती थी कि मथुरा में आ ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने और भी पुकारा कि एक धाम और भी जिसको कहते द्वारका, क्या कहते हैं, तो क्या पुकारा है, हे द्वारका वासी दौड़ो मेरी रक्षा करो। भगवान को बड़ा दुख हुआ कि आज मेरे को न पहचान पाए, फिर भी भगवान को द्वारका से दौड़ करके आना पड़ा। और द्रौपदी यही कह सकती थी कि हे गढ़गढ़वासी प्रकट हो जाइए, लेकिन ये ना कहा। एक तरफ से भगवान एक नजर में आते हैं कि संसार का जैसा नजर आते हैं कि भगवान द्रौपदी की रक्षा हो रही है, साड़ी के रूप में परिणित हो जाते संसार की दृष्टि से, कहती कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, आकी साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की। और एक रूप से भगवान मुरली कृष्ण कन्हैया द्रौपदी की नजर में आ रहे, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए भाइयों, जब सभी प्रकार की कामना समाप्त हो जाती है, संसार उसके अंदर से समाप्त हो जाता है, तब भगवान रक्षा करते हैं।
ऐसे रक्षा करते हैं जैसे गुरुदेव शिष्य की रक्षा कर लेते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा कर लेती है। ये अर्थ भक्त है। दूसरा भक्त जो कामना से बचता हो और कामना से भजने वाला, क्योंकि संसार में काम बड़ा प्रबल है, संसार में काम बड़ा प्रबल है, इसलिए महापुरुष कहते काम काम सब कोई कहे, काम न जाने को जितनी मन की कामना तो काम कहां से हो। ये काम है, लेकिन ये सुग्रीव और विभीषण कामना वाले थे, जिसे बोलते अर्थार्थी। क्या बोलते हैं? अर्थ भी चाहता है, संसार को भी चाहता है, और संसार में रह करके भगवान को भी चाहता है। क्या विभीषण का सगा भाई तो था रावण, लेकिन उसके हृदय में ये भाव था कि ये को मार दिया जाए और मैं राजा बन के, ऐसे सुग्रीव को था। तो भगवान को ऐसा करना पड़ा, लेकिन भगवान भाव देखते, अर्थार्थी भक्त। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त उसे कहते हैं जिसके अंदर ना कामना है और ना दुख है। क्या इच्छा है? मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो, मैं संसार में और कुछ नहीं चाहता। और जब गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तो गुरुदेव बोलो हनुमान जी महाराज जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत दशरथ अजर बिहारे, गुरुदेव भगवान। अभी अभी आपने परम पूज्य श्री गोपालन जी महाराज जी के आपने सुंदर विचारों का रसपान किया, उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई। अजय महाभारत क्यों हुआ था? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत। राग और द्वेष इसका कारण था, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है, बस यही तो है युद्ध का कारण। धृष्टराष्ट्र ने दुर्योधन को अपना समझा और पांडु पुत्रों को अपना नहीं माना, यही कारण हो गया था। तो जहां भेद हो जाता है, जहां द्वेष भाव हो जाता है, बस वहीं महाभारत शुरू हो जाता है। आप सब जानते हैं द्रौपदी की चर्चा उन्होंने रखी, पुकार लगाई ये द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, तो उन्होंने आके केवल द्रौपदी की नहीं बल्कि वो सबकी रक्षा करते हैं। बाहर भी वही रक्षा करते हैं और अंदर भी वही रक्षा करते हैं।
गर्भ में वही तो रखता है। तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज काली समुद्र दूरत लख्यो प्रगटे सब तो दाज अपने अपने घरन की सब काहू को